इंटेलिजेंट मैथमेटिक्स क्लासेज में आप सभी विद्यार्थियों का एक बार फिर से स्वागत है। आज बेसिक मैथ के अंतर्गत हम आपको गुणनखंड ज्ञात करने से संबंध में एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट प्रश्न की चर्चा करेंगे। तो गुणनखंड ज्ञात करना है प्यारे बच्चों, एक माइनस टू ए बी माइनस ब्रैकेट के भीतर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। चलिए, इसको गुणनखंड ज्ञात करने का मतलब है इसको किसी तरह से ब्रैकेट के अंदर लाना, ताकि गुणा करने पर फिर से यही चीज़ हमको हासिल हो जाए। चलिए, तो क्वेश्चन है वन माइनस टू ए बी माइनस ब्रैकेट के भीतर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। ठीक है, अब हम इसको ऐसे लिख सकते हैं, एक माइनस टू ए बी और माइनस ब्रैकेट के अंदर जाएगा तो चिन्ह बदल जाएगा, प्लस वाला माइनस, सब तो प्लस वाला ही है तो सब माइनस में हो जाएगा। ए स्क्वायर प्लस में है तो ए स्क्वायर माइनस में हो जाएगा, एंड बी स्क्वायर प्लस में है तो बी स्क्वायर भी माइनस में हो जाएगा। चलिए, अब हम एक को सेम टू सेम लिखते हैं एंड माइनस तीनों में से कॉमन लेते हैं। ठीक है, तो क्या हो जाएगा, प्लस का टू ए बी हो जाएगा, प्लस का ए स्क्वायर हो जाएगा एंड प्लस का बी स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, चलिए, जब भी माइनस कॉमन लेते हैं तो चिन्ह बदलता है, तीनों माइनस में है, तीनों प्लस में हो गया। अब आइए, एक अपने जगह पर है माइनस, अब इसको थोड़ा सजा के लिखते हैं स्टूडेंट्स, ए स्क्वायर प्लस टू ए बी, बीच में टू ए बी को कर देता हूँ, एंड प्लस बी स्क्वायर। ठीक है, जोर में आगे पीछे आप लिख सकते हैं, कोई फर्क नहीं पड़ता है। अब एक अपने जगह पर है, माइनस अपने जगह पर है, ए स्क्वायर प्लस टू ए बी प्लस बी स्क्वायर, ये तीनों मिलकर फॉर्मूला हो जाता है ए प्लस बी का होल स्क्वायर। ठीक है, अब एक को आप एक का स्क्वायर भी लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, एक गुना एक एक ही रह जाएगा, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, तो आप लिख सकते हैं एंड ये ए प्लस बी का होल स्क्वायर। अब अलजेब्रा का एक सूत्र लग रहा है, ए का स्क्वायर माइनस बी का स्क्वायर, याद करिए, ए का स्क्वायर माइनस बी का स्क्वायर। इसके लिए फार्मूला बनता है ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी, ऐसा एक फार्मूला आपने जरूर पढ़ा होगा। तो ए किसको समझना है, वन को, बी किसको समझना है, ए प्लस बी को। तो बस इस फार्मूला पे आप a और b का मान बैठा दीजिए, सिंपल, a प्लस बी यानी कि 1 प्लस ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी, मतलब 1 माइनस ए एंड माइनस बी। तो ये आपका ब्रैकेट के भीतर आ गया, बस यही टारगेट था हम लोगों को, हमने गुणनखंड ज्ञात कर लिया है। तो आई होप ये सवाल आपको अच्छा से समझ में आ गया होगा प्यारे बच्चों। तो इसी तरह के अच्छे अच्छे वीडियो को देखने के लिए आप हमारे चैनल से जुड़ सकते हैं, हम मैथ संबंधी उपयोगी वीडियो हमेशा आपके लिए लाते रहते हैं। तो थैंक यू सो मच, इस वीडियो में इतना ही।